नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। हम लोग के नेता और बिहार ही नहीं देश के भविष्य और देश में सबसे लोकप्रिय युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो अभी घटनाक्रम बिहार में हुई है, उस घटनाक्रम के बाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच जो 17 साल बनाम 17 महीने में उन्होंने उपलब्धि जो दिखाई है और जनता के लिए जो काम किए हैं, उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 फरवरी से उनका कार्यक्रम प्रत्येक जिला में होने जा रहा है। और हमारे नेता जब हम लोग के जिला में आ रहे हैं, उसी के तैयारी के संबंध में हम लोग के जो महागठबंधन के साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के, माले, सीपीआई, सीपीएम, सभी साथी के साथ हम अपने नेता के अगुवाई में और नेता के हौसला अफजाई के लिए हम लोग आज जो बैठक रखे हैं तैयारी के लिए, जो उसमें अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथी जो हम लोग के भविष्य हैं उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए हवाई अड्डा डुमरा हवाई अड्डा के फील्ड में चलकर अपने नेता को हौसला अफजाई करेंगे और उनके भाषण को सुनकर जनता के बीच में रखने का काम करेंगे, उसी की तैयारी के संदर्भ में आज बैठक रखी गई है। इस बैठक में राजद कार्यकर्ताओं को क्या कहा गया, क्या निर्देश दिया गया? नहीं, हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के साथी और हम सब लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनकर बाजपट्टी ही नहीं पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले के साथी, सभी लोग हम लोग एकजुट होकर और 2024 जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी में भी हमारे नेता चले हैं। हम सभी राष्ट्रीय जनता दल साथी से भी आग्रह करना चाहते हैं, जो हम लोग बूथ लेवल पर जो कमेटी या एक साथी बोल रहे थे जक्की बाबू, हम लोग बूथ लेवल पर जो वर्कर हैं वो सभी से आग्रह करेंगे, बूथ लेवल तक के पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सब लोग हम लोग अपने नेता के हौसला अफजाई के लिए 20 तारीख को 12 बजे डुमरा हवाई फील्ड में अधिक से अधिक संख्या में जुटकर अपने नेता का भाषण सुनेंगे। बाजपट्टी विधानसभा से आप विधायक हैं, कितने लोगों की भीड़ बाजपट्टी विधानसभा से पहुंचेगी डुमरा हवाई अड्डा पे? पूरे जिला में सबसे ज्यादा बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र लोग पहुंचेंगे, वहाँ प्रत्येक पंचायत से 5 से 7 गाड़ी, 10 गाड़ी भी किसी किसी पंचायत में जहां जो जरूरी होगा वहां लोग यहां से जाएंगे, जिनकी अपनी गाड़ी है अपनी गाड़ी से राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही जाएंगे, जहां गाड़ी नहीं वहां गाड़ी भी उपलब्ध होगा और सब लोग अपने नेता का हौसला अफजाई और उनके भाषण सुनकर जनता के बीच में रखने का काम करेंगे।